मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आज का दिन कैसे लगा? इस सुबह का वक्त में आपका मन क्या खुशी के साथ है? अगर नहीं तो मेरे मन में कुछ बोझ है, कुछ दुख है। आज के दिन में बहुत सारे चुनौतियों को सामना करना है, मैं क्या करूँगा? आप चिंतित है ना, कभी भी आप घबराना नहीं। इस सुबह का वक्त में परमेश्वर वचन क्या कहता मालूम है? भजन संहिता 90 की 14 में प्रभु का दास मूसा जो प्रभु के संग संग रहता था, प्रभु से आमने सामने बातें करता था, वो अपने अनुभव से कहता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। हे प्रभु, भोर के वक्त में तेरे करुणा से हमें तृप्त करने से दिन भर प्रभु हम आपको जय जयकार करते रहेंगे। इसी मूसा से परमेश्वर ने कहा, भोर में तैयार हो के सिनै पर्वत पर आने से मैं तुमसे बातें करूंगा। वैसे ही सिनै पर्वत पर भोर में तैयार हो के परमेश्वर से उन्होंने आज्ञा पाई। प्रतिदिन भोर में प्रभु की उपस्थिति में जाना है, उसकी अनुग्रह के द्वारा दिल में आनंद प्रभु देते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में भोर में जाने के द्वारा आपके जीवन में आनंद और खुशी को देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं, प्रति भोर उठ के परमेश्वर के चरणों के पास जाके उसकी अनुग्रह उसकी दया को मांगने के द्वारा दिन भर आपके दिल में आनंद और खुशी हो सकता। प्रतिदिन दुख और मुसीबत चुनौतियां आ सकता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाके उस अनुग्रह को प्राप्त करने के द्वारा दुख और मुसीबत और चुनौतियों के सामने आप क्या करेंगे? आनंद के साथ रह सकते हैं। जरूर दुख होगा, मुसीबत होगा, परेशानियां आएगा, चुनौतियां आएगा, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा आप आनंदित रह सकते हैं। आपके जीवन में परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, सेवा के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ न कुछ चुनौतियां हो सकता है, लेकिन प्रभु के पास चरणों पर आइए। प्रतिबोर प्रभु के चरणों के पास आने से आप उस ताकत को प्राप्त कर सकते हैं। उस ताकत को प्राप्त करने के द्वारा उस आनंद को प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन अपने काम को देखने के वक्त हमें लगता है हमारे लिए सिर्फ 12 घंटा है काम करने के लिए। सारे काम को समय को मिला के देखने से लगता 20 घंटा चाहिए काम करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की चरणों के पास जाके जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे सहायता करना, परमेश्वर सहायता करते हैं, उस काम को उस दिन में देखते हैं, पूरा काम को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पूरा उस काम पूरा हो जाता है। प्रभु उसको पूरा करने में अनुग्रह देता है। आपके जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में आप प्रभु को स्तुति करेंगे, उस स्तुति करने के द्वारा आप आराम से उस चुनौतियों को पार करके सामना कर सकते हैं। जब उस दिन के रात में बैठ के देखेंगे तो पूरा काम को आप कर दिए होंगे। आज पूरे दिल से परमेश्वर के लिए अर्पण करेंगे। हे परमेश्वर, आज सुबह सुबह उठ के तेरे चरणों के पास आए। प्रभु तू ही सारे काम को संभालने के लिए अनुग्रह को बल को मेरे जीवन में देना है। प्रभु बहुत सारे चुनौतियों को सामना करना है, उसके लिए तू अनुग्रह देना। यीशु मसीह के नाम से आज मैं अर्पण करता हूँ प्रभु। आमीन, आमीन।